वो कौन था जिसने नस्लों को नफरत की भेंट चढ़ते देखा? वो गवाह भी बना मगर किसका? उसने कौन सा एक ख्वाब देखा? उसने नफरत का इंतखाब किया या मोहब्बत का? क्या उसे अमन का नोबेल इनाम मिला? जूनियर डे क्या है? मैं हूं इरफान उल हक और आप देख रहे हैं द नोबल हिस्ट्री। वो 15 जनवरी 1937 में अमेरिका की जनूबी रियासत जॉर्जिया में एक स्याह फार्म पादरी के घर पैदा हुआ। अपनी 39 साल मुख्तसर जिंदगी में इसने स्याह फार्म आबादी के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। 1963 में इसकी क्यादत में 6 स्याह फार्म तंजीमों ने वाशिंगटन में 2.5 लाख अफराद का जलसा किया, जो वाशिंगटन की तारीख का इस वक्त का सबसे बड़ा इज्तमा बन गया। लेकिन वो था कौन? दुनिया उसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से जानती है, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि वो तारीखी अहमियत का हामिल बन गया, जब शक्ल, रंग, तालीम वगैरह में इंतहाई कम तर शख्स ने कहा कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। हालांकि हकीकत की सबसे बुनियादी अकाई ख्वाब ही है, जब ये स्याह ख्वाब तकरीर और 2.5 लाख के मजमे में ढला तो सफ़ेद महल का रंग उड़ना शुरू हुआ। इसके 41 साल बाद एक स्याह फार्म व्हाइट हाउस का मकीन बना, मगर ये पूरी दास्तान 450 साल पर मुश्तमिल है। साल है 1619। व्हाइट लॉयन नामी वलंदीजी जहाज की मेक्सिको जाते हुए हस्पानवी बहरी जहाज के अमले से झड़प होती है और 20 अफ्रीकी गुलामों को पकड़ा जाता है। जब ये मरम्मत के लिए वर्जीनिया के साहिल पर लंगर अंदाज होता है तो वही 20 गुलाम मुआवजे के तौर पर मकैनिक के हवाले कर दिए जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है सिलसिला गुलामी का। फिर अफ्रीका के जंगलों में जाकर स्याह फार्मों को पकड़ने और बेगार के लिए अमेरिका लाने का काम जोर पकड़ता है और ये बाकायदा कारोबार बन जाता है। वक्त गुजरता रहा, स्याह फार्म लाए जाते रहे और इस वक्त ह्यूमन जू भी बने, जहां लोग पिंजरों में बंद अफ्रीकियों को देखने आते। शुरू में इन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता, फिर घरों में क्वार्टर बनाए जाते, फिर अलग बस्तियां कायम हुई। इस वक्त स्याह फार्मों के लिए इंसान की बजाय शय का लफ्ज इस्तेमाल होता। '57 में ब्रैड स्कॉट डमी एक स्याह फार्म गुलाम ने इस तासर से मगलूब होकर अदालत से रजू किया, जो इसे कुछ सफेद फार्मों की जानिब से हमदर्दी की शक्ल में मिला था। इसने दरख्वास्त दी कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूं, मुझे और मेरे बच्चों को वो तमाम हकूक मिलने चाहिए जो किसी भी शहरी को मिलते हैं। अदालत ने जायजा लेने के बाद फैसला सुनाया। अगर एक गुलाम किसी ऐसी रियासत में पनाह ले ले जहां गुलामी ममनू हो, तब भी वो एक आज़ाद शख्स तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी इलाके में गुलाम को कालदम करार दे। गुलाम और उसके वर्षा शहरियत हासिल करने के अहल नहीं। इस फैसले पर इस वक्त के अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन समेत मुतअद्दिद हलकों ने तशवीश का इजहार किया। '1862 अमेरिका ने गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया, ताहम इम्तियाजी कानून जरूर मौजूद रहे जिनके मुताबिक इनकी बस्तियां अलग थीं, स्कूल अलग थे,
इनके लिए लाजिम था कि गाड़ी में सफर करते हुए सफेद फार्म सवार हो तो इसके लिए जगह छोड़े और पीछे के मखसूस हिस्से में खड़े होकर सफर करें। 15 जनवरी 1929 को एक स्याह फार्म पादरी के घर आंख खोलने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने 39 साल के सफर पर मुश्तमिल जिंदगी में स्याह फार्मों को सदियों का सफर बरसों में तय करवाया। शुरू से ही एक मखसूस माहौल और सलूक देखने पर मार्टिन अक्सर सोचता था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नौजवानी में ही इसने हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू की। वो गांधी के फलसफे अदम तशद्दुद से मुतासिर था। ५५ में एक स्याह फार्म लड़की ने बस में सफेद फार्म के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रोज बाद मिंटगुमरी में रोजा पार्क नामी स्याह फार्म खातून को भी सीट खाली ना करने पर गिरफ्तार किया गया, जिस पर मार्टिन लूथर किंग ने एहतजाज किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस तहरीक में गिरफ्तार होकर जेल गए। घर बम धमाके से तबाह कर दिया गया, चाकू से कातलाना हमला हुआ, लेकिन उन्होंने तहरीक में अदब तशद्दुद के असूल पर सख्ती से अमल किया और गोरों के खिलाफ बोलने और नफरत फैलाने की बजाय स्याह फामों की हालत ज़ार बयान की और आज़ादी और रोजगार का मुतालबा किया। अब स्याह फाम पूरी तरह मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो चुके थे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके बिला शिरकत गैर लीडर थे और वो बिला शुबा एक मुनफरिद इनकलाबी मुखलिस दिलेराना सोच फिक्र रखने वाले मुदब्बिर रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए। इसी दौरान स्याह फार्मों और उनके हामी सफेद फार्मों ने अपने इलाकों की बसों का बाइकआउट किया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बसों में नस्ली इम्तियाज का ये कानून खत्म कर दिया। ये बराबरी की जिद्दोजहद करने वालों के लिए बहुत बड़ी फतह थी। स्याह फार्मों ने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। पुरअमन एहतजाजी रैलियां जारी थीं। किंग का पैगाम लोगों तक पहुंचकर असर दिखा रहा था। सिलसिला चलता रहा, लोग जुड़ते गए। असरात स्याह फार्म तबके से निकलकर सारे अमरीकी माशरे में फैलने लगे। सफ़ेद फार्म नस्ल के लोगों ने भी बड़ी तादाद में इन इज्तमात में शिरकत शुरू कर दी। बिलाखिर इस लाजवाल और तारीखी जद्दोजहद के नुक्ते अरूज का दिन आन पहुंचा। ২৮ अगस्त ১৯৬৩ वाशिंगटन में इब्राहिम लिंकन की यादगार के वसीओ अरीज मैदान में, कि जहां किंग और इनके साथियों का ख्याल था कि 35,000 से 40,000 लोग एहतजाजी रैली में आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, वहां 2,50,000 से जायद अफराद का जमे गफीर उमड़ आया। वाशिंगटन की सड़कों पर जगह जगह स्याह फार्म दिखाई दे रहे थे। जूं जूं वक्त गुजरता गया, लोगों की तादाद बढ़ती रही और ना सिर्फ स्याह फार्म बल्कि सफ़ेद फार्म अशरफिया, फिल्म मेकर्स, सहाफ़ियों, फनकारों, दानिशवरों, वकला, सियासी और समाजी कारकुनों समेत तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद ने इंतहाई जोश व खरोश से रैली में शिरकत की। रैली के शुरका का जज्बा और जुनून दीदीनी था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी ज़िंदगी की यादगार तारीखी और शोहरा आफाक तकरीर की, जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। चंद घंटों में ही इब्राहिम लिंकन की यादगार लोगों से भर गई, जिनकी तादाद 2,50,000 बताई जाती है।
स्याह फामों के नौजवान रहनुमा मार्टिन लूथर किंग वहां पहुंचे तो भरपूर इस्तकबाल किया गया। अमरीकी हुकूमत इसका बगौर जायजा ले रही थी, खबरों में बार बार इस इज्तमा का जिक्र हो रहा था। और जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने माइक संभाला तो ये मंजर मीडिया पर बराहे रास्त दिखाया जा रहा था। उन्होंने धीमे से अंदाज में कहा, मेरा एक ख्वाब है, और फिर तेज आवाज में दोहराया, मेरा ख्वाब है कि जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर एक दिन सफेद फार्म आकाओं और स्याह फार्म गुलामों के वारिस एक दूसरे से गले मिले। मेरा एक ख्वाब है कि मेरे बच्चे अपने रंग की बजाय अपने किरदार से पहचाने जाएं। मैं ख्वाब देख रहा हूं कि एक दिन इस मुल्क में सब लोग बराबर तसव्वुर किए जाएंगे और मिलकर खुशी से चिल्ला उठेंगे, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। फिर बोले, मुझे खुशी हो रही है अपनी आज़ादी के लिए जमा होने वाले इस तारीखी मजमे में शरीक होकर। आज हम इस अजीम अमरीकी लीडर की यादगार के साए में खड़े हैं जिसने सबके लिए आज़ाद होने का ऐलान किया था, मगर 100 साल गुजर जाने के बावजूद स्याह फार्म आज भी गुलाम हैं। उन्होंने कहा, गुलामी ने कई तबकात से सदियां छीनी हैं, इनका हक बनता है कि इनकी समाजी, तालीमी और मसावी तौर पर बहाली के लिए कम से कम $50 अरब का फंड कायम किया जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वियतनाम जंग के हवाले से अपनाई जाने वाली पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे नौ आबादियाती जंग करार दिया। 16 बयान मुकर्रर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नफरत, तासुब, इस्तेहसाल, नस्ली इम्तियाज से पाक जमहूरी मसावी मसाली मुजवजा और मतलूबा अमरीकी रियासत का ऐसा नक्शा खींचा कि इसके अल्फाज लोगों के दिलों में उतरते चले गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की इस तकरीर ने सबको हिला कर रख दिया। इसे इब्राहिम लिंकन की गेट्सबर्ग की तकरीर और फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट के तारीखी खिताब के बाद अमरीकी तारीख की तीसरी अजीम तरीन तकरीर कहा जाता है। इस वक्त के सदर जॉन एफ कैनेडी ने भी बराहे रास्त टीवी पर इस तकरीर को सुना। अगले रोज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को व्हाइट हाउस बुलाया गया। हर तरफ इस तकरीर का असर महसूस हो रहा था, जैसे अमरीकी माशरे को किसी ने गहरी नींद से जगा दिया। इसी जद्दोजहद के नतीजे में 1964 का शहरी हकूक का वफाकी कानून और 1965 में वोट के मसावी हकूक का कानून मंजूर हुआ। 1964 में किंग को शहरी हकूक के लिए अहम किरदार अदा करने पर अमन का नोबेल इनाम दिया गया। अमेरिका के 730 से ज्यादा शहरों की किसी न किसी सड़क का नाम इसके नाम पर रखा गया। 20वीं सदी की अहम शख्सियात की फहरिस्त में किंग का नाम दूसरे नंबर पर है। मार्टिन लूथर किंग ने नस्लों को नफरत की भेंट चढ़ते देखा। इंसान कहलाने वाला कितना जालिम हो सकता है और जिल्लत की किन अथाह गहराइयों में उतर सकता है, इसका गवाह भी बना। नफरत, वहशत, दरिंदगी और रंगो नस्ल की बुनियाद पर उठाई गई दीवार के साए रूह इंसानी को किस तरह पामाल करते हैं, इस बात का शाहिद भी बना। अमरीका में किंग की सालगिरह वाले दिन पूरे मुल्क में तातील होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के नाम से ये दिन हर साल जनवरी के महीने में तीसरे पीर को मनाया जाता है। इस कदर जानदार किरदार पर जहां एक तरफ दुनिया में हर तरफ इनको पिजीराई मिल रही थी, वहीं कुछ लोग
हसद की आग में भी जल रहे थे। ऐसे ही एक नस्ल प्रस्त ने 4 अप्रैल 1968 को इस वक्त मार्टिन को गोली मारकर कत्ल कर दिया जब वो अपने होटल के कमरे की बालकोनी में खड़े थे। लेकिन इनका ख्वाब आज भी जिंदा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं आपको तारीख की मुफीद मालूमात मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करने के साथ इस पर अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स की रोशनी में हम अपनी आने वाली वीडियोस बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचा सकें।